हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विस्डम ऑफ लो। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़े टॉपिक पर, जिसको जानने के बाद आपका जो मन तन जो है सब पता हिल जाएगा ऐसा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसा है कि हम लोग बात करेंगे आज धर्म परिवर्तन को लेकर के, कि जो हमारे समाज में हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है ऐसा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया है उस पर भी बात करने वाले हैं। जरा जान लीजिए कि हमारा जो इंडिया जो है, क्या हमारे इंडिया कोई अपना धर्म है हमारा देश का, सरकार का? तो इसका जवाब है जी नहीं, हमारे इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। तो हमारा इंडिया जो है भाई साहब, हमारा भारत देश जो है, ये हमारा देश, देखिए ये हमारा देश जो है, ये एक सेकुलर कंट्री है। मतलब हमारे कंट्री जो का पास, हमारे देश के पास अपना कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन अगर हम देखें ये चाइना है, यहाँ पे चाइना के पास अपना एक रिलीजन है, ठीक है, वो है बौद्ध धर्म हो गया। लेकिन इंडिया जो है सेकुलर है, हर हर धर्म को इक्वल मानता है, हर धर्म को सम्मान देता है ऐसा, और सबको इक्वल ट्रीट करता है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन देता है ऐसा, ओके ना, चाहे कोई भी धर्म के व्यक्ति होते हैं। लेकिन आपको अगर अगर धर्म परिवर्तन की बात करें, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट्स भी दिया गया है कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं ऐसा, जैसे आर्टिकल 25+ ए में बात करता है ऐसा। ये फंडामेंटल आपका राइट्स आपको दिया गया है ऐसा, ओके ना, कोई आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। अगर आपको धर्म परिवर्तन कभी करना है तो उसके लिए आपको एफिडेविट भी देना पड़ता है। एफिडेविट के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि एफिडेविट देते हो, एक शपथ पत्र देते हो कि हाँ भाई मैं एक कोई एक धर्म को चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि हिंदू धर्म को, मतलब मुस्लिम धर्म के लोग जो है हिंदू धर्म को चेंज कर, हिंदू धर्म में आ रहे हैं, तो ये एफिडेविट देना पड़ता है। ये देख सकते हैं एक एफिडेविट का फॉर्मेट में दिखाया हूँ आप लोगों को, एफिडेविट, तो एक प्रूफ भी आप लोगों को दे रहा हूँ ऐसा, ओके। इसी तरह से हर धर्म जो है अलग अलग है। इंडिया में बहुत सारे कंट्री, मतलब बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ठीक है, तो ऐसे अनेक बौद्ध, जैन, ये सब अनेक आपको धर्म है ऐसा, ओके ना। तो इसी धर्म परिवर्तन को लेकर के हमारे समाज में अभी बहुत ही बुरा स्थिति बना हुआ है, क्योंकि जैसे कि कभी कभी देखा जाता है कि हिंदू के जो हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं, उसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है। आप ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी कराया जाता है धर्म परिवर्तन, किसी जबरदस्ती करा जाता है, कुछ प्रलोभन दे करके किया जाता है ऐसा, ओके, किसी तरह का प्रलोभन देकर करा जाता है ऐसा, ओके। तो ये एक बहुत ही सीरियस तरह के हमारे सोसाइटी में एक तरह का चिंता का विषय है कि किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, ओके। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले पे क्या कहा, और ऐसे अनेक राज्य हैं जहां पर धर्म परिवर्तन होते हैं, जैसे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश के एक मामले में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जहां पर आप समझिए, ओके। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कुछ नया चीज जरूर जानने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कमेंट है, ओके ना। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आप लोगों को, ओके। देखिए आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश राज्य ने धर्म स्थानांतरण से पहले जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देने वाली सूचना देने वाले प्रावधानों को फिर से लागू किया, जो फिर खत्म हो गया था। तो देखिए पहले क्या होता था ना, पहले क्या होता था, अगर आपको कभी भी धर्म परिवर्तन करना है तो जिला मजिस्ट्रेट को आपको इस बात का सूचना देना पड़ता था। लेकिन ये जो यहाँ पे एक जजमेंट आया था, ये जजमेंट का नाम यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, सिटी जस्ट फॉर जस्टिस एट पीठ, कि इस पीठ ने जो किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था कि इस ये खत्म कर दिया था कि धर्म परिवर्तन करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट को क्या सूचना देना पड़ता था, तो इस पर ये खत्म कर दिया था, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये मामला जो क्या है, आप इसको समझिएगा, अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए कि एक जजमेंट आया था, ठीक है, ये जजमेंट ऐसा देख लीजिए, ये ऐसा कि सिटी जंस फॉर जस्टिस एट पीठ, ठीक है, तो CJP ने विभिन्न राज्यों में धर्म कानून को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हिमाचल प्रदेश, देखिए सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में धर्म परिवर्तन से पहले जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देने वाली प्रावधानों को फिर से लागू किया। तो पहले क्या होता था कि जैसे कि मैंने बताया कि पहले धर्म परिवर्तन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना पड़ता था, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया था। देखिए इसे जो कि इजली फेलोशिपी ऑफ इंडिया बनाम हिमाचल प्रदेश का, ये देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य के फैसले में पहले ही इसे खत्म कर दिया गया था, तो इस फैसले में इसे खत्म कर दिया गया था, ओके ना। देखिए यह मामला जो है हमारे प्रेजेंट के जो है चीफ जस्टिस जो है CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिन्हा और जस्टिस JB पारदीवाला,
की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। तो ये तीन जज जो थे उस इस मामले को सुनवाई कर रहे थे। ओके ना, देखिए उन्होंने क्या तर्क दिया कोर्ट ने, उसको समझिए। ओके, यहाँ पर ये बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़ा एक कानून 2006 में बनाया गया था। कानून था हिमाचल प्रदेश में धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2006। तो इस कानून का नाम ये था। ओके ना, 2006 में इस कानून को धर्म हस्तांतरण के 1 महीने से पहले जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देने का प्रावधान था। तो मतलब भाई साहब, अगर आप कोई भी धर्म को परिवर्तन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 1 महीना पहले ही सूचना देना पड़ता था। किसे? जिला मजिस्ट्रेट को, ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम को। ओके ना, इसे 2011 में जस्टिस दीपक गुप्ता एनवेंजेलिकल फेलोशिपल ऑफ इंडिया बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के फैसला को रद्द कर दिया गया था। तो इस फैसला में जो है इसको रद्द कर दिया गया था कि जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देने की जरूरत नहीं है। ओके ना, जिसे राज्य ने स्वीकार कर लिया और इस बात को फैसला भी दिया, ठीक ना, और लेकिन राज्य इसको स्वीकार भी कर लिया, ये लागू भी हो गया। लेकिन 2019 में जो है ऐसा, 2011 के बाद 2011 के बाद 2019 में उन्होंने कानून को फिर से लागू किया जो जो चुनौती के अधीन है। तो अभी जो फिर से चुनाव, मतलब फिर से जिला मजिस्ट्रेट को 1 महीना पहले सूचना देना पड़ेगा, तो वो फिर से लागू कर दिया गया 2019 में ऐसा, और इसको चुनौती भी दिया गया ऐसा, ठीक है। हलफनामे पर वे कहते हैं समिति को लगता है कि मामला बाध्यकारी नहीं है। उनका कहना है कि यह मजिस्ट्रेट के लिए पुलिस के माध्यम से पूछताछ करना महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम आगे बात करते हैं ऐसा, तो यहाँ पे देखिए कि संदर्भ में अब एक कॉमन थिंकिंग क्या है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि धर्म परिवर्तन जो होता है, जैसे कि मैंने आप सबों को कहा कि परिवर्तन जो होता है कभी जबरन कराया जाता है, गल ठीक, जब जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा था कि प्रलोभन दे दिया जा रहा था पहले। तो इस तरह से अनेक ऐसे राज्य जिसके शिकार बन रहे थे, अनेक ऐसे व्यक्ति जो है धर्म परिवर्तन करा रहे थे। क्योंकि अगर आप जिला मजिस्ट्रेट के सामने जाओगे भाई, कानून आप जज के सामने जाओगे वहां पर, तो उसके समक्ष आप क्या कहते हैं एफिडेविट देते हो ना, तो इसलिए चेंज कोई आराम से नहीं कर पा रहा था। तो जब से ये प्रोविजन हटा दिया गया था कि मजिस्ट्रेट का परमिशन ही लेना पड़ेगा उस चीज के लिए, तो वो सब तो इसका बहुत ज्यादा सा गैर कानूनी इसका उपयोग हो रहा था। तो देखिए सीजीपी ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और कर्नाटक धर्म स्थान कानूनों को चुनौती देते हुए विशेष रूप से इन प्रावधानों को चुनौती दी है, ठीक है, जो कि विश्वास के बदलने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना अनिवार्य करता है। तो देखिए इसीलिए अगर आपको कोई चीज वो चेंज करना है तो जिला मजिस्ट्रेट को, क्योंकि जिला में क्या हो रहा है, एक जिला के अधिकारी है, उनको पता होना चाहिए ऐसा धर्म परिवर्तन कितने लोग कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। ओके, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे सीजीआई जो है इस पर कमेंट किए ऐसा। ओके, सीजीआई ने इस बात को कहा, स्वीकार किया। ओके, सीजीआई का कहना है कि ऐसा सीजीआई डीओ चंद्रचूड़ ने कहा कि एक कानून पर बने रहने के लिए मेरिटिक पर सुनाई आवश्यक है। पीठ ने पक्षकारों की दलील पूरी करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। तो इस तरह से पीठ का जो है ये मामला को आगे और सुनेंगे बोल के इसको क्या कर दिया गया था, उसको स्थगित कर दिया गया था उसे। अब देखिए डीवाई चंद्रचूड़ का निर्देश क्या क्या निर्देश दिया गया ये बात देखिए। निर्देश तो सरकार को पहले ही अपना जवाब हलफनामा दायर करने का निर्देश दे चुका है ऐसा, फिर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य अपना जवाब दाखिल कर दिया है। प्रक्रियात्मक सुविधा के लिए हम निर्देश देते हैं कि जहां राज्य राज्य में एक से अधिक याचिकाकर्ता है, वहां जहां पर प्रतिवादी है, ठीक है, वहां उनके लिए खुला होगा राज्य को एक सामान्य जवाबी हलफनामा दायर करना है और अन्य याचिकाओं के संबंध में उस हलफनामे को अपनाना है, ठीक है। जवाब हलफनामा दाखिल करने का समय भी 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये बात मामला खत्म हो गया। ये जो इस केस का जो मामला था आप देख सकते हैं ये था। ओके, इसका केस का टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2023 का ही केस है। ओके ना, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया जानने का जरूर मौका मिला ऐसा। ओके चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा आप लोग, और ऐसे ही नए अपडेट्स में आप लोग लाते रहूंगा अभी। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। थोड़ा रात में शूट कर रहे थे ना, इसीलिए बाय बाय।